प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आज की कक्षा में हम भू संतुलन सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी के बारे में अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे। आइसोस्टेसी क्या होती है, इस सिद्धांत के बारे में किन किन विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं और किस तरीके से उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की है के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आइसोस्टेसी शब्द के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आइसोस्टेसी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमरीकी जो भूगर्भवेत्ता डटन थे उन्होंने 1889 में किया था। डटन का मुख्य उद्देश्य भूतल के असमान भागों में बने हुए संतुलन को दर्शाना था, यानी धरातल पर जो पर्वत पठार और मैदान जो आपको असमान जो भूभाग दिखाई देते हैं उनमें किस तरीके से संतुलन पाया जाता है या संतुलन बना हुआ है को समझाना था या दर्शाना था। सामान्य रूप से हम आइसोस्टेसी का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं तो आइसोस्टेसी यानी घूर्णन करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों व गहराई में स्थित क्षेत्रों के मध्य भौतिक या यांत्रिक जो स्थिरता है अर्थात संतुलन पाया जाता है को हम समस्थिति कहते हैं। यानी घूमती हुई जो पृथ्वी है उसके ऊपर स्थित जो भूभाग है और गहराई में स्थित जो भूभाग है उनके मध्य जो भौतिक व यांत्रिक जो एक स्थिरता या संतुलन पाया जाता है को हम सामान्य रूप से समस्थिति कहते हैं। अब समस्थिति के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं या उसको अपने विचारों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। इस कड़ी में हम देखते हैं कि प्राट व एरी के विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राट के जो विचार थे, प्राट ने कल्याण व कल्याणपुर के अक्षांश निर्धारण हेतु भूज्यामितीय व भूज्यामितीय सर्वेक्षण एवं खगोलीय माप के दौरान गुरुत्व के प्रेक्षित व अवकलित माप में पाई गई विसंगति की समस्या का निराकरण करने हेतु अपने विचार प्रस्तुत किए थे। यानी जो उस समय जो एक स्थल भूभागों का जो सर्वेक्षण चल रहा था उसमें दो तरीके के सर्वेक्षण थे, एक तो भूज्यामितीय सर्वेक्षण था एवं खगोलीय जो सर्वेक्षण होता था उसके दौरान जो उन सर्वेक्षण के जो माप किए गए थे उन माप में जो अंतर या जो विसंगति आई थी उस विसंगति की समस्या का पता करने या उस समस्या का निराकरण करने हेतु प्राट ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। प्राट का मानना है कि भूपृष्ठ के विभिन्न जो भूखंड है या ब्लॉक है जैसे पर्वत पठार मैदान महासागरीय तल जो अलग अलग स्तंभ के रूप में है और ये विभिन्न घनत्व वाली सेलों से निर्मित है, ये समस्त भूखंड या ब्लॉक स्तंभ अपने नीचे की जो भारी प्लास्टिक सदृश जो सेले हैं उस पर तैर रहे हैं और तैरते हुए अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। यानी प्राट का मानना था कि जो भी जो विभिन्न भूखंड है वो स्तंभों के रूप में पाए जाते हैं और उनके घनत्व क्या है एक समान नहीं होता तथा वह अध स्तर में एक लेवल ऑफ कंपेंसेशन होता है, एक क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके ऊपर तो उनके घनत्व में अंतर पाया जाता है परंतु उसके नीचे जो घनत्व होता है वो समान होता है। इस प्रकार प्राट का जो मत था समान गहराई किंतु विभिन्न घनत्व वाले स्तंभों पर केंद्रित रहा है, कॉलम ऑफ यूनिफॉर्म डेप्थ विद पेयरिंग डेंसिटी पर उनकी जो मुख्य अपने विचारों को बल दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो डायग्राम अपने को दिख रहा है इसमें विभिन्न आकार व घनत्व की धातुओं के समान भार वाले टुकड़े लिए गए और उनको पारों में एक बर्तन लेके उसमें पारा भरा गया और पारा में जब उन टुकड़ों को डाला गया तो एक ये देखते लेवल ऑफ कंपेंसेशन यानी एक क्षतिपूर्ति तल बन जाता है और उसके ऊपर तो इनका सबका जो भार है वो समान रहता है लेकिन इनकी ऊँचाई में क्या आ जाता है अंतर आ जाता है। तो इस चित्र के माध्यम से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं।
इस तरह से हम देखते हैं कि एक अदा स्तर है जिसमें पर्वत, पठार, मैदान और सागरी जो भाग है वो उनकी जो तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ पर एक शक्तिपूर्ति तल होता है जहाँ पर इनका भार एक समान रहता है, लेकिन उनकी ऊंचाई में डिफरेंट होता है और घनत्व भी आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार प्राट का मानना था कि जितना ऊंचा स्तंभ होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, और जो जितना नीचे स्तंभ है उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। इस तरह से उन्होंने ऊंचाई तथा घनत्व में विपरीत या नकारात्मक सहसंबंध माना, और उन्होंने ये माना कि परिवर्तन घनत्व के साथ समान गहराई पाई जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्राट ने अपने जो विचार दिए हैं तो उसकी प्रमुख जो त्रुटि या जो कमी है उससे हम आधुनिक खोजों से ये प्रमाणित हो चुका है कि सतह में क्षैतिज रूप से घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन प्राट ने आइसोस्टेसी जो सिद्धांत है या जो थ्योरी है के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए और उस समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।